धमतरी भाजपा जिला महिला मोर्चा की ओर से नक्सली क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए राखी और विजय तिलक भिजवाने के लिए एसपी को राखी सौंपी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को भी राखी बांधी। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा यह प्रथा 21 वर्षों से चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा के द्वारा हर वर्ष राखी भेजा जाता है नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों के पास, क्योंकि वो बीहर जंगल में रहते हैं, उस तक उनकी बहनें पहुंच नहीं पाती है। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ये ठाना है लगभग 20 वर्षों से, आज 21वां वर्ष चल रहा है, और 21 वर्ष में हमने हमेशा नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों को रक्षाबंधन का सूत्र भेजते हैं, और रक्षाबंधन के दिन वो राखी बांधते हैं, उसको व्हाट्सएप पे हमको भेजते भी हैं कि हमने उस राखी को बांधा है। और इसलिए हम भेजते हैं क्योंकि वो बहुत ही लोहा ले रहे हैं और अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, उनकी बहनें उस तक पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सारी बहनें उनकी अपनी बहनें हैं, और ये रक्षा सूत्र उस तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। आज दीदी लोगों के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व के पूर्व में जो जवान हमारे नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, अंदर के कैंपों में धमतरी में और साथ साथ जो बस्तर के अन्य जिले हैं उनके लिए भी दीदी लोगों के माध्यम से राखी दी गई है, जो कि हमें वहाँ तक पहुँचानी है। और यहाँ पर छोटा सा रक्षाबंधन कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें मुझे और हमारे बाकी अधिकारी जवानों को दीदी लोगों ने राखी बांधी। जितने बस्तर के नक्सल प्रभावित जिले हैं जहाँ पर अंदर हमारे जवान तैनात हैं, वहाँ के लिए राखी दी गई है। इसमें यथा सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और राजनांदगांव जिले हैं।